नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा को एक साल आज पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर सूर्यवंशी फिल्म की एक वीडियो सामने आई है। रोहित शेट्टी सिंगम और सिम्बा के बाद अब जल्द ही अक्षय कुमार के साथ और एक धमाकेदार फिल्म सूर्यवंशी लेकर आ रहे हैं। आज रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा की रिलीज के एक साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी का एक सीन शेयर किया गया है, जिसमें अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन एक साथ नजर आ रहे हैं। हाल ही में फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट से रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को शेयर करते हुए करण लिखते हैं, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। रोहित के कॉप सूर्यवंश सिम्बा, सिंगम और सूर्यवंशी में तीन गुना एक्शन, तीन गुना फन और एंटरटेनमेंट। दावा है इन तीन सुपर कॉप्स के साथ सिम्बा फिल्म के एक साल होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शेयर की गई इस पोस्ट में रोहित शेट्टी की आगामी फिल्म सूर्यवंशी का सबसे जबरदस्त सीन दिखाया गया है, जिसमें रोहित शेट्टी के सुपर कॉप्स अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह साथ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के तीन हीरो पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहने हुए लगातार गोलियां चला रहे हैं। एक ही सीन में तीनों मेगास्टार को साथ देखना हर फैंस के लिए खुशखबरी है। रोहित शेट्टी की ये फिल्म सूर्यवंशी 27 मार्च 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी लीड रोल निभाते नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन पर फिल्माए गए ब्लॉकबस्टर गाने टिप टिप बरसा पानी को भी रिक्रिएट किया जा रहा है। इससे पहले फिल्म सिम्बा में भी आंख मारे गाने को रणवीर सिंह और सारा अली खान पर फिल्माया गया था। आपको बताते चले कि आज रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टारर फिल्म सिम्बा के एक साल पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी।